आपका प्रश्न है आत्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का परिचय। आत्मा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है और बिंदु की डेफिनेशन होती है एक ऐसा निशान, एक ऐसा चिन्ह जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, अर्थात जिसे हम किसी भी माइक्रोमीटर से नहीं नाप सकते। संसार में उपलब्ध प्रकाश उसका सूक्ष्मतम रूप फोटोन उसे भी नाप दिया गया, उसकी स्पीड को भी नाप दिया गया, जिसके आधार पर सारी कैलकुलेशन चलती है कि कौन सा ग्रह कितना प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इतनी फास्ट। और हम आत्मा फोटोन से भी सूक्ष्म। जिसे नापा नहीं जा सकता, जिसे इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता, दूसरा है सूक्ष्म शरीर। आत्मा का सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की तरह ही होता है, परंतु ये स्थूल शरीर केवल कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए स्थूल शरीर में आत्मा केवल तब भी देख सकती है जब उसके साथ उसका कोई अकाउंट है, नहीं तो उसे दिखाई नहीं देगी जिसके साथ अकाउंट नहीं है। स्थूल शरीर में इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, बल देखने वाली ये चर्म चक्षुएं होती हैं, परंतु देखने वाली तो आत्मा है ना। देखने वाली तो आत्मा ही है ना। स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर को आत्मा देख सकती है, सूक्ष्म कार्य करा सकती है, सूक्ष्म रोल प्ले करा सकती है, परंतु वे कोई अलग दुनिया नहीं, वह रोल इसी दुनिया में ही प्ले होता है। बाकी आत्मा नहीं देखी जा सकती,
जिसके साथ अकाउंट नहीं है तो सूक्ष्म शरीर भी दिखाई नहीं देगा। सूक्ष्म शरीर वो दिखाई देगा जिस रोल में उसने वो कार्मिक अकाउंट जिसके साथ सेटल किया था, आज वो हो गया। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।